पूर्वी राजस्थान का तीन तीन मंत्रियों वाला चूल्हा किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहता है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक और एक बोर्ड अध्यक्ष ने सड़कों पर मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। डैमेज कंट्रोल के लिए पिछले दिनों विकास योजनाओं को लेकर तीन मंत्रियों ने बैठक बुलाई। मौसम विभाग ने इस साल के मानसून सीजन जून से सितंबर में होने वाली बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सामान्य बारिश 96 से 104% होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान के लिहाज से इस बार मानसून औसत रहने के आसार है। हिंदुत्व छवि वाली सरकार के कामकाज पर साधु संत हावी होते जा रहे। बाबा राज्य मंत्री का दर्जा तक प्राप्त कर चुके हैं। हाल में रोचक किस्सा उज्जैन में देखने को मिला है। हुआ यूं कि इंदौर का सीवरेज शिप्रा में ना मिला, इसके लिए कान्हा नदी पर अस्थायी डैम बनाया जाना है। इस संबंध में पिछले दिनों उज्जैन में बैठक हुई, इसमें जल संसाधन के अफसर भी मौजूद थे। हमें माँ के साथ नहीं रहना, वो बहुत काम करवाते हैं। खाना बन ही देती है, पूरी तलने में गरम तेल से चेहरा जल गया। हमें पापा और दादी के पास जाना है, माँ के साथ नहीं रहेंगे। ये दर्द है 6 और 7 साल की मासूमों का, जो अपनी ही माँ से प्रताड़ित है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 75 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक कैंडिडेट 20 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। NHM में डेली इंटरव्यू के जरिए खाली पदों पर डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति की जा रही है। वहीं MPPSC से भी लगातार विशेषज्ञों की भर्ती की जा रही है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 49% विशेषज्ञों की कमी बनी हुई है। सीहोर वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का शुक्रवार सुबह हरिद्वार में एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार पहाड़ से टकराकर दो बार पलटी खा गई। उस वक्त वह नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर कथा स्थल की ओर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा समेत कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। छतरपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो में जनप्रतिनिधियों एवं रेल अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में मध्य प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन दिया है। यह बजट आवंटन अभी तक का मध्य प्रदेश के लिए सर्वाधिक है। इस धनराशि से मध्य प्रदेश का समग्र विकास होगा। शहर में हर महीने बिजली कंपनी 30,000 से अधिक फॉल्स बिलों को जनरेट कर रही है, यानी ऐसे उपभोक्ताओं के नाम पर बिजली बिल जनरेट हो रहे हैं जो वास्तव में ग्राउंड पर है ही नहीं। बिजली कंपनी के अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं, शहर में बड़े पैमाने पर ऐसे घर दुकान हैं जो बंद हो चुके हैं या खंडर पड़े हैं और बिजली कंपनी ने भी उनके कनेक्शन काट दिए हैं। चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी है। इसमें स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जाँच करने को कहा है।